ठीक है ताऊ चला फिर, ठीक है अंकल जी चला फिर, रक्षाबंधन आ गया चला फिर, ठीक है जा रहे हो चल ठीक है भाई चला फिर है आज रक्षाबंधन, रक्षाबंधन है यार अगर इंतजार कर रही है, ठीक है भाई ठीक है कल मिलेंगे भाई। हो गया वो एलिमेंट रह गया तेरा छोड़ रहा एलिमेंट में यार हेलो भैया कहाँ पर हो आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? आपको याद नहीं है क्या कि आज रक्षाबंधन है? भैया कितनी देर में आ रहे हो आप घर? हेलो हेलो भैया आप बोल क्यों नहीं रहे हो? भैया भैया दोस्तों ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है जो इसके साथ हुआ है, इस भाई साहब के साथ हुआ है। अगर आप भी ऐसे ही अपने घर से हेलमेट नहीं लेके चलेंगे, ये आपकी सेफ्टी है, अगर आप भी इसी की तरह मूर्ख बन जाएंगे तो आपके साथ भी कल ये हादसा हो सकता है जो इस भाई के साथ हुआ था। इसीलिए अब इसकी बहन है जो उसके फोन अपने फोन आए बार बार, लेकिन उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसीलिए दोस्तों आपके सामने हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं भाई, अपने घर से हेलमेट लेके चलें और अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में रखो। इसके दोस्त ने इसके लिए बहुत बहुत ही वो किया पर इसने नहीं एक भी उसकी सुनी। दोस्तों जो गलती आज इसने किया आप कभी मत करना, इसकी बहन इसका इंतजार कर रही है। आज मैंने इसका फोन इसकी बहन का फोन उठाया लेकिन मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों ये हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों आज अगर इसके पास हेलमेट होता तो शायद इसके साथ ये ना होता और ये अपनी बहन के पास पहुंच पाता। आज रक्षाबंधन के दिन इसकी बहन इसका वेट कर रही है, प्रयोग कर लेता तो शायद ये अपनी बहन के पास आज राखी बंधवाने के लिए पहुंच जाता। रक्षाबंधन एक भाई और बहन का ऐसा बंधन है जिससे भाई हमेशा अपनी बहन की रक्षा करता है, परंतु ये इस हेलमेट को नहीं लेके गया, इसमें इसकी मूर्खता ही है सबसे बड़ी। अगर ये इसे लेके चलता तो शायद आज ही अपनी बहन से राखी बंधवा लेता। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये तुम्हारे भाई का चैनल है।